अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ऐशाम अली और आप देख रहे हैं ऐशाम ब्यूटीफुल 3 YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज मैं बैठा हूँ इधर एक बॉक्सिंग क्लब में, कारगिल बॉक्सिंग क्लब, दातपुर डिस्ट्रिक्ट गजर गिलगित बल्तिस्तान के। ये वाहिद क्लब है गिलगित में जिधर बॉक्सिंग सिखाया जाता है। तो आज इसके बारे में मैं आपको इधर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही हमने आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाता चलो तो ये है हमारे बॉक्सिंग क्लब की जो ऑफिस, जो हमारे हवलदार अब्दुल कयूम सर ने जो बहुत ही एक शानदार सेटअप दिया हुआ है इधर, जिनकी मेहनत से आज ये क्लब चल रहा है इधर। माशाल्लाह से कोई 50-60 तक के बच्चे हैं हमारे पास इधर जो इधर बॉक्सिंग सीखते हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, आज मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो कोच हैं हवलदार अब्दुल कयूम साहब, जो कोच रिटायर हैं आर्मी से, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस क्लब में इनको कैसा लगता है और ये क्लब इधर कितने सालों से इधर चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इनकी, तो इन्होंने इतना टाइम दिया हमारे लिए, तो इनसे जानते हैं कि ये क्लब कितने सालों से चला रहे हैं और इधर कितने प्लेयर इनके साथ है, स्टूडेंट इनके साथ है, ये सबसे पहले जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस भाइयों, बात ये है कि ये मैंने आर्मी में मतलब सर्विस किया है, तो आर्मी में 1984 में मैंने आर्मी क्लियर की है 54 kg में, और उसके बाद 57 kg में मैंने पाकिस्तान क्लियर की है सन 1988 में। उसके बाद मैं पुलिस सेंटर एबटाबाद में बासिया कोच, बॉक्सिंग कोच की पढ़ाई सर अंजाम दी है, और 14 साल बहसीत कोच में एबटाबाद ब्लू सेंटर में रहा हूँ। और हमारी टीम खुदा के फजल से ब्लू सेंटर आर्मी में तकरीबन 70-72 मतलब सेंटर होती है, ये सेंटर तमाम पढ़ाई रेजिमेंट शामिल है। हाँ, एक साल दूसरे साल में हमारे मुकाबले होते थे बॉक्सिंग का, तो इसी तरह फर्स्ट सेकंड ज़्यादातर हमारे पोजिशन फर्स्ट आती रही है। और इसी तरह मैंने बहुत मेहनत के साथ और अपने रेजिमेंट में रहा हूँ। उसके बाद सन 2001 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद सन 2002 से मैंने ये क्लब सिंगल में हमने शुरू किए, सिंगल से फिर गुलमुखी में शुरू किए, गुलमुखी से फिर हमने काफूज में आए, काफूज में इधर आकर ये हम बार एबटाबाद होटल में हमने ये क्लब खोला। वहाँ पर लड़के काफ़ी हमारे साथ हैं, हमारे साथ लड़कों ने साथ दिए, काफ़ी हमारे स्टूडेंट आर्मी में चले गए। तो इसी तरह फिर बाद में मैंने ये क्लब पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद फिर इसी तरह की तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने ये बॉक्सिंग का सामान सपोर्ट चलाया। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि गवर्नमेंट ने ये जगह जो है हमें हाल टूरिज्म का हाल और ये हमें 2-3 कमरे दिए है। टूरिज्म के एडी साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किए और एडी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह पिछले दफ़ा मैं नज़ीर साहब से मिला था, नज़ीर साहब ने कहा था कि मैं क्लब आकर देखूंगा, मैंने उसको साफ साफ बता दिया था कि साहब जो ना ये है बॉक्सिंग का सामान बहुत महंगा है, बॉक्सिंग का सामान काफू से नहीं मिलता है, पठान यहाँ पर जो ना कबाड़ में लेकर नहीं आते, ये सामान गिलगित से नहीं मिलता, ये बॉक्सिंग का सामान एबटाबाद से नहीं मिलता, पिंडी से नहीं मिलता, लाहौर से नहीं मिलता, ये सामान हम सियालकोट से लाते हैं और ये बहुत महंगा हुआ है सामान, ये हमें नुकसान ही नुकसान है। सिर्फ ये है कि मेरा एक मिशन है, मिशन मेरा ये है कि हमारे इलाके में गरीब लोग हैं जो कि नौकरी नहीं कर सकते हैं और नौकरी में मतलब पढ़े लिखे लड़के भी हैं, वो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 60 लड़के हैं वो मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह उनका रोज़गार का बड़ा मसला है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी हमें साथ दे दे, इसी तरह जो ना ये लड़के हम ट्रेन करेंगे, इसके बाद फिर आर्मी में हम भर्ती करवाते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि बेरोज़गारी खत्म हो। इसी तरह जो ना काफ़ी लड़के गए हैं, मेरे शागिर्द इस वक्त ओलंपियन बॉक्सर है,
जिसका जीता जागता सबूत जो है गेजर का राजा अहमद अली साहब है जो कि एशियन गोल्ड मेडल है। इसी तरह पंजाब में मेरे शागिर्द बहुत है, अभी नाम बताऊं तो हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा हमारे बहुत शागिर्द आगे गए हुए हैं, लेकिन मैं इधर आकर ये क्लब हमने खोला है और इधर जो ना ये मैट्रिक से नीचे मतलब भर्ती नहीं करते, लेकिन हमारा मुकाबला है कि हम अंडर मैट्रिक वाला लड़के भी हम आर्मी में मतलब भर्ती करवाएंगे और करवाते भी है, और अभी भी हमारे पास लड़के तैयार है कम तालीम वाला लड़के, इंशाल्लाह हमारे पास ये बॉक्सिंग का जो ना ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह हम भर्ती करवाते हैं और करवाएंगे। इसी तरह हमारे मिशन ये है कि एक मिशन है, हमें फीस की जरूरत नहीं है, और ये शुरू से हमारे ये मोटो हमारा रहा है कि हमारे मिशन ये है कि हम गरीब लोगों के साथ दें और गरीब लोग जो है ना हमारी वजह से हम भर्ती करवाएंगे, हमारी वजह से उनका चोला जले और उनका वादिया हमें दुआ दे दें और वो हमें दुआ की ज़रूरत है, बाकी ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। 500 रुपये फीस है, 500 रुपये से आजकल क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, 2 किलो मतलब सब्जी नहीं आती है, इसलिए जो ना हमने ये एक कुर्बानी दी है, लिहाजा मैं अकेला मेरा काम नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम है कि भाई डीसी साहब है, हमारे एसपी साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे इलाके का मतलब है ये जिम्मेदार अफिसर है जो कि बाला हमारा जिम्मेदार अफिसर है जो कभी कभी हम इसकी इंशाल्लाह इसके बाद डीसी साहब को हम बुलाएंगे मुकाबले के दौरान मुकाबला करवा कर डीसी साहब एसपी साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तमाम बड़े अफसरान को बुलाएंगे और हम अपना जो है मौकूफ उनके सामने पेश करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ देंगे, क्योंकि ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं और सबके बच्चे हैं और ये इलाका मेरा अकेला नहीं है, तो हाँ ये कि ये पूरे सुबह तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान सुबह में नहीं आता है, सुबह में हम आते हैं लेकिन हमारा सुबह नहीं है, इसलिए जो ना हम कोशिश करते हैं कि गिलगित में जो ना गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद ये क्लब है इंटरनेशनल कारगिल बॉक्सिंग क्लब के नाम पर हमने एक क्लब शुरू किया है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी और मुझे ये भी यकीन है कि गवर्नमेंट जो ना हमें जगह दिया है और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे साथ इंशाल्लाह मदद करेगी, हमें 100% हमें यकीन है, पीछे नज़ीर साहब को मैंने बताया था, नज़ीर साहब ने मेरी बातें सुना है, इसके बाद फिर मैं 3-4 दिन बाद मैं डीसी साहब से मिलूंगा, इंशाल्लाह डीसी साहब को मैं बताऊंगा और अनकरीब डीसी साहब को हम इंशाल्लाह बॉक्सिंग का मुकाबले फाइटिंग दिखाएंगे और डीसी साहब इंशाल्लाह बड़े खुश होंगे। तो मेरा इरादा ये है, मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया है कि मतलब ये मुकाबले करेंगे और इंशाल्लाह हम तैयार हैं, तो मैं बाकी इन अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। तो इसी के साथ हम इनका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो हम चलते हैं इनके ये प्रैक्टिस कैसे कराते हैं बच्चों को, बॉक्सिंग कैसे सिखाते हैं, ये सारे हम आपको दिखाते चलेंगे नजरी में। इसी के साथ साथ हमारे पास ये दूसरा रूम है जो ड्रेसिंग रूम है, बच्चे इधर जितने भी इधर प्लेयर हैं जितने बच्चे इधर हैं वो सारे अपने इधर कपड़े वगैरह इधर चेंज करते हैं, इनके साथ साथ हमारे पास जो बॉक्सिंग के जो सामान है जो किट है बॉक्सिंग के तो वो भी इधर आप लोग अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे तो ये बहुत ही एक शानदार सेटअप दिया हुआ है, ये ग्लव्स हमारे पास पड़े हैं, उसके बाद ऐसे भी हमारे पास और ग्लव्स हैं जो किट बैग को मारने के लिए कुछ, तो बाकी इसी के साथ साथ हम गार्ड्स भी मौजूद है इधर बल्तिस्तान में, ये वाहिद एक ही क्लब है इधर जिसमें बॉक्सिंग सिखाया जाता है और बहुत सारे बच्चे इधर से गोल्ड मेडलिस्ट भी है, गोल्ड मेडल भी जीता हुआ, बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं जो आगे आर्मी में भी जा चुके हैं जो अभी भी हाजिर सर्विस है आर्मी में। तो ये इसी के साथ साथ हमारे पास एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा एक सेटअप हमारे पास इधर है, हमारे पास जो इधर हम ये बच्चे आप देख रहे हैं इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं इधर एक्सरसाइज, कोई डबल वगैरह एक्सरसाइज हर एक चीज़ इधर करते हैं हमारे, तो मैं जा करे मैं बोने
तुषार बमोसम खुशान करे करे हिफा तुषार बमोसम खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे सही की मोहब्बत चराटी सही गवर्नमेंट नाम पे रजिस्टर हो गए। किसी के साथ मुलाकात।